भारत जैसे देशों में जहां बहुत अधिक मिर्च मसाले खाए जाते हैं, वहां पाइल जैसी बीमारी बहुत ही आम समस्या है। दोस्तों, इसे बवासीर, अर्ज और हेमोराइड्स भी कहते हैं। पाइल्स यानी बवासीर दोस्तों एक बहुत ही तकलीफदेह रोग है जिससे बहुत से लोग पीड़ित होते हैं। ज़्यादातर लोग दोस्तों, खासकर महिलाएं दोस्तों, इस रोग को शर्म और झिझक के चलते किसी को बता नहीं पाती हैं और तकलीफ़ को सहती रहती हैं। ऐसे में दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि पाइल्स क्या होता है। तो दोस्तों, गुदा की शिराओं यानी कि दोस्तों यहाँ पर वेंस में सूजन आ जाती है जिससे उस स्थान पर मस्से जैसे बन जाते हैं। आम भाषा में दोस्तों इसे बवासीर के मस्से भी कहते हैं। इसी सूजन के कारण दोस्तों मलत्याग करते समय या उसके बाद दर्द, जलन और खुजली जैसी समस्याएं होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशानी को बढ़ा देती हैं। बात करें दोस्तों कितने तरह की हमें पाइल्स देखने को मिलती है, तो दोस्तों दो तरह की पाइल्स हमें देखने को मिलती है, इंटरनल यानी कि आंतरिक और एक्सटर्नल यानी कि या फिर बाहरी पाइल्स। कुछ लोग दोस्तों इसे वादी और खूनी बवासीर भी कहते हैं। वादी बवासीर में दर्द, जलन और परेशानी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन दोस्तों ब्लीडिंग में ऐसा नहीं होता। यानी कि खूनी बवासीर में दोस्तों दर्द और जलन नहीं होता, लेकिन ब्लीडिंग होती है। अब पाइल्स के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो दोस्तों लगातार कब्ज़ बना रहना, अनियमित दिनचर्या, किसी दवा के साइड इफ़ेक्ट के चलते ऐसा हो सकता है। अगर आपको बार बार दस्त या पेचिस की समस्या होती रहती है तो उसके चलते ये हो सकता है। महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान ये समस्या होती है और कई लोगों को अनुवांशिक रूप से भी ये समस्या होती है। इसके अलावा बहुत देर तक जिन लोगों का बैठे रहने का कार्य होता है उनमें भी ये समस्या बनने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ मोटापा, वजन का उठना, किसी रोग के चलते, ओल्ड एज में और गलत खानपान के कारण दोस्तों हमें ये समस्या आए दिन देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों होम्योपैथी में इसका इलाज संभव है, यानी कि बिना ऑपरेशन के दोस्तों आप होम्योपैथी की सहायता से अपनी पाइल्स की समस्या को दूर कर सकते हैं। और ऐसे ही दोस्तों कुछ दवाओं के बारे में आज इस वीडियो में हम बात भी करने वाले हैं जिनका प्रयोग किया जाता है होम्योपैथी में पाइल्स जैसी परेशानी को ठीक करने के लिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि दोस्तों होम्योपैथी में वो कौन सी दवाइयाँ हैं जिनका प्रयोग आप पाइल्स को बिना ऑपरेशन के ठीक करने के लिए कर सकते हैं, तो हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्वास्थ्य सलाहकार पर। आज इस वीडियो में दोस्तों हमने 5 होम्योपैथिक दवाइयों का सिलेक्शन किया है जिनके बारे में आज हम आपको बताएंगे, साथ ही इनके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये कितने प्राइस में आपको मार्केट में मिलते हैं और दोस्तों आपको इनका प्रयोग कैसे करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कौन सी वो 5 दवाइयाँ हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो 5 दवाइयाँ हमने लिए हैं उनमें शामिल है एडविन A142 हेमोरॉइडल ड्रॉप, डॉक्टर रेकवेक के पोडोफिलिनियम पैल्टेटम डाइल्यूशन, डॉक्टर जॉन्स का जॉन पाइल एच ड्रॉप, डॉक्टर विल्मर स्वावे इंडिया का कॉलिनसोनिया कैनाडेंसिस और SBL का हेमामेली वर्जेनिका। तो दोस्तों इन 5 दवाइयों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं इनके क्वांटिटी और रेट के बारे में। तो दोस्तों अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं एडविन A142 हेमोरॉइडल ड्रॉप, तो दोस्तों 30 ml ड्रॉप मार्केट में आपको मिलता है 162 रुपये में। वहीं डॉक्टर रेकवेक के दोस्तों पॉडोफिलियम पैल्टेटम के बारे में अगर हम बात करें तो 11 ml डाइल्यूशन आपको मिलता है 122 रुपये में। डॉक्टर जॉन्स के दोस्तों जॉन पाइल एच ड्रॉप के बारे में अगर हम बात करें तो 30 ml ड्रॉप आपको मिलता है 128 में। डॉक्टर विल्मर स्वाबे इंडिया का कॉलिनसोनिया कैनाडेंसिस के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें तो 30 ml मदर टिंक्चर आपको मिलता है 181 रुपये में। और SBL का हेमामेलिस वर्जेनिका की दोस्तों अगर हम बात करें तो 30 ml मदर टिंक्चर आपको मिलता है 132 रुपये में। अब आगे दोस्तों अगर हम बात करें कि इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं 5 दवाओं के, तो दोस्तों 5 दवाएं अलग अलग तरह से काम करती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एडविन A142 हेमोरॉइडल ड्रॉप के बारे में, तो दोस्तों ये मेडिसिन किसी भी तरीके का पाइल्स हो उसको दूर करने का काम करती है। कैसे दूर करती है, तो दोस्तों जो भी किसी भी तरीके के कीड़े हों या इन्फेस्टेशन हों दोस्तों उसको दूर करने का काम करती है आपके एनस के आसपास में, यानी कि एनस में दोस्तों जो भी परेशानी आपको है उसको दूर करती है। अगर आपको ब्लीडिंग से दोस्तों जुड़ी पाइल्स है तो वो भी यहाँ पर ये दूर करने का काम करता है, क्योंकि जो भी सूजन हो जाती है दोस्तों उसको ये दूर करने का काम करती है मेडिसिन, और आपको एक कम्फर्ट दिलाने का काम करती है। ऐसे ही अगर हम आगे दोस्तों बात करें डॉक्टर रेकवेक के पोडोफिलियम पैल्टेटम के बारे में, तो दोस्तों ये किसी भी तरीके की आपको गैस से जुड़ी समस्याओं को दूर करती है जिसके चलते आपको कॉन्स्टिपेशन बनता है। इसके अलावा दोस्तों जो भी अल्सरेशन होता है पाइल्स का दोस्तों इंटेस्टाइन्स में उसको ये दूर करने का काम करती है, यानी कि दोस्तों अगर अल्सर की समस्या बनने लगी है जिसके चलते पाइल्स की समस्या हो रही है तो उसको ये दूर करता है। और किसी भी तरीके का पेन हो दोस्तों ओवरी के रीजन में आपके, तो उसको भी ये दूर करने का काम करती है।
डॉक्टर जॉन के दोस्तों, जॉन पाइलेज ड्रॉप के बारे में अगर हम बात करें, इसके क्या बेनिफिट होते हैं? तो दोस्तों, इसका प्रयोग किया जाता है आपके पाइल्स के लिए, उसके अलावा पाइल्स के साथ साथ में जो भी स्वेलिंग है, इचिंग है, बर्निंग सेंसेशन है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, बैठने में समस्या हो रही है, तो उसको भी ये कम करने का काम करता है। उसके अलावा दोस्तों, किसी भी तरह का आपका हेमोरॉइड हो, चाहे वो प्रोलैप्स्ड हो या फिर स्ट्रैंगुलेटेड हो, दोस्तों दोनों को ही ये दूर करने का काम करती है। डॉक्टर विल्मर स्वाबे के दोस्तों, अगर हम बात करें कॉलिंसोनिया कैनेडेंसिस के बारे में, तो दोस्तों इसका यूज़ किया जाता है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, यानी कि पुराने से पुराने कब्ज़ को ये दूर करती है, क्योंकि कब्ज़ के चलते ही दोस्तों ज़्यादातर मामलों में हमें यहाँ पर पाइल्स की समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा वो महिलाएं जिनको प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के चलते पाइल्स की समस्या हुई है, तो उसमें भी ये आराम दिलाने का काम करती है। कुछ और दोस्तों इसके बेनिफिट की अगर हम बात करें, तो ब्लीडिंग पाइल्स में बहुत ही अच्छा है दोस्तों। वो लोग जिनको ब्लीडिंग पाइल्स है, पाइल्स में खून आता है दोस्तों, तो वो इसका यूज़ कर सकते हैं। महिलाएं इसका यूज़ कर सकती हैं मेंस्ट्रुएशन के दौरान, साथ ही साथ में हार्ट से संबंधित परेशानियों में भी ये फ़ायदेमंद साबित होती है दवा। तो इन सभी दोस्तों परेशानियों में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। SBL का दोस्तों हेमोरेली वर्जेनिका के बारे में अगर हम बात करें, हेमोरॉइड से जुड़े जो भी दर्द हैं उसको ये दूर करने का काम करती है। इसके अलावा अगर छिल गया है दोस्तों पाइल्स के चलते आसपास का एरिया, या फिर सोरनेस वहाँ पर हो गई है, तो उसमें भी दोस्तों ये दूर करता है उस परेशानी को। साथ ही साथ में अगर घाव छिल गए हैं, भरने में नहीं आ रहे हैं, तो उसको ये ट्रीट करने का काम करता है। और किसी भी तरीके की कमज़ोरी जो आई है दोस्तों ब्लड लॉस के चलते, तो उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है होम्योपैथी में। इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर होती हैं, जो किसी भी तरीके की सूजन हो या दर्द हो, तो उसको ये दूर करने का काम करती है। तो ये सारे बेनिफिट भी दोस्तों हमें इन मेडिसिन में देखने को मिलते हैं। अब सवाल उठता है कि दोस्तों इनमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं? तो दोस्तों एडविन A140 हेमोरॉइडल ड्रॉप में यूज़ किया गया है होम्योपैथिक फॉर्मुलेशन, यानी कि दोस्तों कई सारी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ की गई हैं, जिसके बारे में कंपनी की ओर से डिस्क्लोज नहीं किया गया है। डॉक्टर रेक्वेक के दोस्तों अगर हम बात करें पोडोफाइलियम पेल्टेटम के बारे में, तो दोस्तों इसमें यूज़ किया गया है पोडोफाइलिनियम का। डॉक्टर जॉन के दोस्तों जॉन पाइलेज ड्रॉप की अगर हम बात करें, तो इसमें 4 से 5 दोस्तों अलग अलग मेडिसिन यूज़ की गई हैं, जैसे कि एस्क्यूलस हिप, एरनिका मॉन्ट, कैलकेरिया फ्लोर, कार्डियोस मार और कॉलिंसोनिया कैन। तो दोस्तों यहाँ पर 5 अलग अलग मेडिसिन यहाँ पर यूज़ की गई हैं इस दवा को बनाने के लिए। डॉक्टर विल्मर सावे कॉलिंसोनिया कैनेडेंसिस के बारे में दोस्तों अगर हम कैनेडेंसिस के बारे में अगर हम बात करें, तो इसमें दोस्तों कॉलिंसोनिया जो ट्री होता है उसकी जड़ का प्रयोग किया गया है, और इसके अलावा एथेनॉल का यहाँ पर प्रयोग किया गया है इस दवा को तैयार करने के लिए। एट लास्ट दोस्तों अगर हम बात करें SBL के हेमामेली वर्जेनिका के बारे में, तो इसमें यूज़ किया गया है हेमामेली वर्जेनिका का। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर इंग्रेडिएंट का चुनाव किया गया है इन दवाओं को प्रिपेयर करने के लिए। कुछ दवाएं दोस्तों एक ही प्रोडक्ट से बनी हुई हैं, जबकि कुछ दवाओं में यहाँ पर 4 से 5 अलग अलग दवाओं का मिश्रण डाला गया है इन दवाओं को तैयार करने के लिए। तो दोस्तों अभी तक इस वीडियो में हमने जाना है कि इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, इन्हें कैसे तैयार किया जाता है, कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ किए जाते हैं, क्या प्राइस है और क्या क्वांटिटी है। अगर हम बात करें दोस्तों कितनी मात्रा में आपको इन्हें लेना चाहिए, तो इसके बारे में दोस्तों मैं यही रेकमेंड करूंगा कि इन दवाओं को ख़रीदने से पहले या ख़रीदते समय इनके डोज़ के बारे में आप जानकारी ज़रूर लें कि आपको जो डोज़ है वो कितनी मात्रा में लेना चाहिए, कितने समय तक लेना चाहिए। साथ ही साथ में आपको अपनी हिस्ट्री को भी बताना चाहिए, अगर आप पहले से ट्रीटमेंट ले रहे हैं या आपने लिया है, तो वो ट्रीटमेंट सभी आपको शेयर करना चाहिए जिस भी जगह से आप इस मेडिसिन को परचेज़ करें। बेस्ट होगा अगर आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके दोस्तों आगे ट्रीटमेंट के लिए बढ़ें। लेकिन दोस्तों अगर आपने किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट नहीं लिया है अभी तक, तो आप दोस्तों जहाँ से भी इन मेडिसिन को परचेज़ करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को बताकर दोस्तों मेडिसिन परचेज़ करके आप इनके डोज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं और इनका प्रयोग करना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में जानकारी मिली होगी जिनका यूज़ आप हेमोरॉइड यानी पाइल्स की समस्या को दूर करने के लिए कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।